नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी में अब ऐसा लग रहा है कि कुछ नया होने जा रहा है। जी हाँ, जैसा कि अभी हमें जो भारत बंद हुआ है उसमें हमें जैसी बहुजन समाज पार्टी की सक्रियता दिखी है, मायावती जी अचानक से सक्रिय हो गई हैं, उससे एक बहुत बड़ा मैसेज दिया जा रहा है। और ये शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ जगह पर राहत की बात भी हो सकती है और कुछ मुद्दों पर ये बहुत ही गंभीर भी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इससे अब ये समझ में आ रहा है कि आगे की डगर उत्तर प्रदेश की राजधानी में दो लोगों के बीच की नहीं है, बहुत ज़्यादा डगर ये जो है कठिन होने वाली भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए। दरअसल दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि भारत बंद का आयोजन किया गया। भारत बंद में मायावती ने अपनी पार्टी को निर्देश दिया कि आइए और मैदान पर उतरिए और सड़कों पर आइए और अपना जो ज्ञापन है ये सभी जिलों में निकलकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपें। ये जो भारत बंद बुलाया गया है दरअसल आरक्षण को लेकर के है। मूल ये आरक्षण की बातों को उठाया गया है कि इन मायावती का कहना है कि आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये ख़त्म करना चाहते हैं, ये और भारतीय जनता पार्टी को कुल मिलाकर ये पूरी तरह से विलन बनाकर दिखाना चाहती हैं आरक्षण के मुद्दे पर। और दरअसल भारत की राजनीति में आरक्षण एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक क्रिटिकल चीज़ है, इसको कोई भी पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती। आरक्षण इतना सेंसिटिव मुद्दा होता है, भले उसकी खबर झूठी फैला दी जाए या सच हो, लेकिन वो अपना एक्शन ज़रूर दिखाती है। ये हम लोगों को कई चुनावों में देखने को मिला। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी को भयंकर रूप से नुकसान हुआ था जब बिहार में चुनाव हुए थे, और उसका कारण ये था कि जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं इन्होंने बोल दिया था वहाँ पे कि आरक्षण की रिव्यू होना चाहिए, ये बात खाली बोल दिया था, और इसका भयंकर रूप से बिहार में नुकसान हो गया था भारतीय जनता पार्टी को। ये बात तब की थी। और अभी ये जो जनरल इलेक्शन हुए हैं, लोकसभा के चुनाव हुए हैं, इसमें भी जो भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान हुआ है ये मेनली आरक्षण की वजह से ही नुकसान हुआ है ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि इसमें एक झूठी खबर फैला दी गई थी कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को ख़त्म कर देगी, संविधान को बदल देगी, इस टाइप की बातों को फैला दिया गया, जिसको भारतीय जनता पार्टी लोगों को समझा नहीं पाई कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। अब दोस्तों समझते हैं कि आखिर जो मायावती एक्शन में आई हैं, ये जो एक्शन में आई तो करीब 35 साल के बाद में एक्शन में आई हैं। आप ऐसा समझ लो बहुजन समाज पार्टी जो है बसपा, ये दरअसल बंद वगैरह की राजनीति से थोड़ा दूर रहती है, आंदोलन वगैरह से दूर रहती है, ये इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखते। इससे पहले इन्होंने 35 साल पहले लगभग इस तरह के आंदोलन वगैरह किए थे, जब मंडल कमीशन की बात हुई थी तभी आंदोलन किया था, वो भी माननीय कांशीराम जी के द्वारा कराया गया था वोट क्लब में, ये बात है 1989 की, तब आंदोलन किया था। अब उसके बाद से बसपा अब मैदान में उतरी है, नहीं तो बिल्कुल ये ठंडे बस्ते में पड़े हुए थे, उसके कार्यकर्ता भी और मायावती भी। लेकिन मायावती हालांकि पहले भी आज के दिन में ही ये पहले आंदोलन की तरफ नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन इनके जो मायावती के भतीजे आकाश आनंद, इनका इन्होंने कहा कि नहीं, हमें मैदान में उतरना चाहिए, पार्टी को सड़क पर लेकर आना चाहिए और अपने मुद्दे को उठाना चाहिए। तो फिर मायावती ने बोला अपने कार्यकर्ताओं से कि ठीक है, सभी जिलों में सब देश भर में अपने निकलिए बाहर और भारत बंद में सहयोग करिए। तो फिर बसपा का कार्यकर्ता बाहर निकला, चाहे पार्टी उस जगह पर मजबूत हो या ना हो, जैसे कि बिहार में बहुजन समाज पार्टी का कोई बड़ा स्टेक नहीं है, वहाँ कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तमिलनाडु बिहार, लेकिन वहाँ पर भी ये लोग सब निकले और भारत बंद को आगे बढ़ाया, इन्होंने एक दिखाया। अब भारत बंद का असर भी कहीं कहीं ज़्यादा दिखा, कहीं मध्यम दिखा, कहीं पे बिल्कुल भी नहीं दिखा, मिला जुला सा असर देखने को मिला भारत बंद का। अच्छा, जब ये सोचिए कि मायावती ने जब ये अपना एक्शन लिया तो अब इससे दूसरी पार्टियों पे भी भयंकर रूप से दबाव आ गया, जैसे कि समाजवादी पार्टी, इधर आरजेडी में बिहार में आरजेडी, इधर आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं इन्होंने भी अपनी पार्टी को मैदान में उतारा,
अब जैसे कि समाजवादी पार्टी को भी ये लगा कि अगर मायावती इस मुद्दे पर आगे बढ़ रही हैं तो ऐसा ना हो कि वो पिछड़ते हुए दिखें, तो उन्होंने भी ये तो नहीं बोला कि हमें भारत बंद में सहयोग करना है, लेकिन वो ये बोला कि ठीक है हमें मैदान में उतरना चाहिए रोड में, और हमें भी भारत बंद जो है, भारत बंद शब्द का यूज नहीं किया, उन्होंने कहा कि हमको रोड पर आना चाहिए और भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए। तो कुछ जिलों में समाजवादी पार्टी भी बाहर आई और स्टार्ट कर दिया अपना आंदोलन। बिल्कुल ये वैसा समझ लीजिए कि जैसे कि कहीं बस या ट्रेन होती है तो लोग अपना अंगोछा रख के चले जाते हैं सीट में कि सीट हमारी है, तो बिल्कुल ये वैसा ही हुआ कि मायावती पर्टिकुलर एक चीज़ है उस पर अपना अंगोछा रख रही थी, तो अखिलेश यादव को दिख गया कि नहीं थोड़ी सी जगह है यहाँ पे हम भी अपना रख लेते हैं अंगोछा। बिल्कुल वैसे ही वो भी इस मुद्दे पे शामिल हो गए। इधर आज़ाद समाज पार्टी वाले चंद्रशेखर आज़ाद ने भी अपनी पार्टी को बोला कि आइए मैदान में, सब लोग आए। अच्छा अब दोस्तों इसके मायने क्या रखते हैं? अब दोस्तों इसके मायने दरअसल कुछ ऐसे हैं कि अगर बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में अगर फिर से एक्टिव होने लगी तो ये समझ लीजिए कि जो अभी मुकाबला हो रहा है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, ये दोनों आमने सामने लड़ते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं वोट मुस्लिम का जो होता है वो पूरी तरीके से जाता है समाजवादी पार्टी के पास, और उसमें अगर समाजवादी पार्टी के साथ अगर कांग्रेस मिल जाती है तो फिर उसको दलित वोट भी कहीं ना कहीं मिल जाता है, जैसे कि अभी इस लोकसभा चुनाव में देखने को मिला कि पूरा मुस्लिम वोट और दलित वोट ये मिल गया, नॉन जाटो दलित जो है वो पूरी तरीके से मिल गया, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान हो गया। लेकिन अगर मायावती अच्छे से चुनाव लड़ती हैं, अपनी सक्रियता भरपूर दिखाती हैं, तो ये समझ लीजिए कि मायावती काफ़ी हद तक इनको मुस्लिम वोट अपना काट लेंगी, और इसके बाद जो भी दलित वोट है ये भी वो कहीं ना कहीं अपने पास लेकर चली जाएंगी। इससे अखिलेश यादव को तो साफ साफ नुकसान हो जाएगा, और इससे भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मुसीबत इसलिए खड़ी हो जाएगी क्योंकि कुछ दलित वोट ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, लेकिन वो जब मायावती अपनी सक्रियता बढ़ाएंगी, मैदान पर आएंगी, दलित को लगेगा कि ये हमारे मुद्दे उठा रही हैं आरक्षण से रिलेटेड खासकर, तो वो वापस से मायावती के पास जाएगा, जिससे भाजपा का भी वोट कम हो जाएगा। लेकिन भाजपा के लिए राहत की बात एक और भी हो सकती है, क्यों? दरअसल वो राहत की बात कुछ ऐसी होगी कि मुस्लिम वोट जो अभी पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के पास जा रहा है इसमें बिखराव आएगा, वो कहीं ना कहीं मायावती के साथ भी जाना स्टार्ट करेगा, क्योंकि मुस्लिम वोट ऐसा नहीं है कि एक मतलब वो ऐसा कई किसी के नाम से वोट पड़ता है कि हमें समाजवादी पार्टी को ही देना है या हमें मायावती को ही देना है, वो ऐसे वोट नहीं देते। मुस्लिम वोट वो ऐसे देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कौन हरा रहा है, बस भारतीय जनता पार्टी को जो हराएगा उसको वो वोट देते हैं, वो ऐसा किसी के सगे नहीं है कि नहीं हमने देख लिया बस अब अखिलेश को ही हमें वोट देना, ऐसा कुछ नहीं होता मुस्लिमों के लिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी सी राहत की बात भी हो सकती है कि अगर मुस्लिम वोट का बिखराव हो गया, क्योंकि अगर मुस्लिम वोट का बिखराव हुआ तो ये मान के चलिए कि समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आने वाली, क्योंकि उनके पास दो ही मजबूत वोट बैंक हैं, एक मुस्लिम का एक यादव का, बाकी जो ये अदर ओबीसी है यादव के अलावा वो उतना समाजवादी पार्टी के पास नहीं जाता है, तो और ओबीसी वोट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए तब तो वो सत्ता में नहीं आ सकते अगर मुस्लिम वोट थोड़ा सा हट गया तो। और मायावती भी जाटो ये जो दलित है और मुस्लिम है, अगर ये सिर्फ इनको वोट दे तो ये भी सत्ता में नहीं आ सकती जब तक सामान्य वर्ग के लोग इनका समर्थन ना करें, मतलब कि जो ब्राह्मण लोग हैं ये जब तक समर्थन नहीं करेंगे मायावती का तब तक मायावती भी सत्ता में नहीं आ पाएंगी। इस ये हम लोग देख भी चुके हैं, जब मायावती 2007 में सत्ता में आई थी तो इनको मुस्लिम वोट भी मिला था, दलितों का वोट तो इनको मिलता ही मिलता है, साथ में अगले जो हैं ये जो सवर्ण हैं इन्होंने भी मायावती जी को अच्छे खासे वोट दिए थे, तभी मायावती जी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। अगर ये समझ लीजिए कि आरक्षण जितनी मजबूती के साथ मायावती जी उठाएंगे
तो जो सवर्ण हैं ये मायावती जी के साथ नहीं जाएंगे। ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ब्लंडर ना कर दे जब तक, तब तक ये जो अगले हैं ये मायावती के साथ नहीं जाएंगे। अगर मायावती, अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ ब्लंडर ही कर दे फिर तो उनका जाना बनता है। जैसे अभी अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव हुए इसमें देखने को मिला, आरक्षण ने असर तो डाला लेकिन सभी राज्यों में असर नहीं डाला है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ आरक्षण वाले जो मुद्दा था उसने असर किया, लेकिन उसी जगह अगर मध्य प्रदेश को देखें तो वहाँ पर उसने असर नहीं किया है। तो ये चीज़ें भी देखने वाली हैं, कहीं असर दिखा है और कहीं असर नहीं दिखा है। लेकिन ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत संभल कर चलना होगा। खास करके उन्हें ये देखना होगा कि सामान्य वर्ग के लिए कुछ ऐसा ये ना करें जो इनके लिए तकलीफ पैदा कर दे और वो वोट कहीं आगे शिफ्ट हो जाए। ये अगर ऐसा कुछ कर पाते हैं तो ये मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा ही होगा मायावती के सक्रिय होने से। लेकिन अगर कुछ और अगर किया तो फिर ये मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राह बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में तो होनी होनी है। कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां आरक्षण बहुत ज़्यादा असर डालते हैं, जैसे उनमें से बिहार एक है, एक उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है। मतलब ये ऐसे प्रदेश हैं जहां पे आरक्षण का मुद्दा हमेशा उठता ही रहता है। तो अब ये अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। आरक्षण को कुछ लोग बहुत अच्छा मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं इसकी समीक्षा होनी चाहिए। अलग अलग लोगों के अलग अलग वर्जन है। अब कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण संविधान के हिसाब से 10 साल में उसकी समीक्षा होनी चाहिए कि अब लोगों को उतनी ज़रूरत है या नहीं है, ये अब देखने वाली बात है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, आरक्षण की ज़रूरत अभी भी है, तो इसलिए ये असर डालता है। वैसे भी कहते हैं कि अगर जिसको दिल्ली की सत्ता में आना है, यानी कि प्रधानमंत्री बनना हो, केंद्र में सत्ता में आना हो, तो उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है। क्योंकि लोकसभा की 80 सीटें हैं, 80 सीटें समझ लीजिए 272 सीटें मेजोरिटी ले आती है केंद्र में, और उसमें से 80 सीटें सिर्फ उत्तर प्रदेश में। तो कितना बड़ा नंबर है, ये इतना बड़ा नंबर है कि आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते कि किसी भी तरीके से आपसे चूक हो जाए। भारतीय जनता पार्टी भी अगर सत्ता में आई है तो उसको उत्तर प्रदेश का भरपूर साथ मिला है। इस बार उत्तर प्रदेश के लोगों ने उतना साथ नहीं दिया तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है वो बहुत ही कमज़ोर तरीके की सरकार है कि मोदी जी खुल के फैसले भी अब नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो मोदी जी किसी से पूछते नहीं हैं फैसला लेने के लिए, सीधे ऑन स्पॉट अपना फैसला सुनाते हैं और सीधे जो लागू करना होता है लागू कर देते हैं। ये मोदी जी के ऊपर एक तरह से लगाम लगा दी है दूसरे जो दल हैं, इन्होंने जो अपना समर्थन दिया है। ये जो नुकसान हुआ ये उत्तर प्रदेश से हुआ है, और ये जो अभी भी मोदी जी सत्ता में बैठे हुए हैं ये उत्तर प्रदेश की ही देन है कि उसने फिर भी इनको 35-36 सीटें दी हैं। अगर यही सीटें अगर मोदी जी को अगर ये मान लीजिए 10 या 12 दे दी होती उत्तर प्रदेश वालों ने, तो मोदी जी सत्ता में आ भी ना पाते, ये जो तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री बने हुए हैं ये मोदी जी के लिए मुश्किल हो जाती। कम से कम मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ना होते अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनती तो। इसलिए उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है, इसके साथ बिल्कुल भी छेड़खानी कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो मायावती अगर सक्रिय हो रही हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी को बस थोड़ा सा सतर्क रहना है। लेकिन अगर हल्का सा भी डगमगा गए तो ये मान लीजिए कि इनके लिए बहुत ही ज़्यादा दुखदायी भी हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा परेशानी भरा भी हो जाएगा, कहीं से इनको संभलने का मौका नहीं मिलेगा और इनकी सत्ता से विदाई भी तय हो जाएगी। ये अपना महंगाई और दूसरे जो मुद्दे हैं ये इतना असर नहीं डालेंगे, लेकिन ये जो आरक्षण का मुद्दा है ये बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए आग जल रही है और उसमें पेट्रोल डालने वाली चीज़ है। ये इतना मतलब मुश्किल चीज़ है आरक्षण, ये बहुत ही ज़्यादा असर डालती है। क्योंकि इस देश में आरक्षण के खिलाफ कोई भी पार्टी अगर हो गई या दिख जाए कि ये कुछ उनके खिलाफ़ हैं, भले करें कुछ ना, उसके लिए चुनाव जीतना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही कठिन काम हो जाएगा, ये समझ लीजिए। ये हम लोग पिछले कई चुनावों में देख चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी तो इसकी भुक्तभोगी है। बिहार उसका साफ एग्जाम्पल है,
लोकसभा चुनाव जो अभी गए, ये भी एग्जाम्पल है जो भारतीय जनता पार्टी अफोर्ड नहीं कर पा रही। और भारतीय जनता पार्टी का कहना होता है कि दूसरे जो पार्टियां हैं ये दुष्प्रचार कर रही हैं। अब मुझे एक चीज़ ये नहीं समझ में आता है, अब दूसरी जो पार्टियां हैं वो भी तो राजनीति पार्टी है ना, अब वो दुष्प्रचार क्या कर रही हैं? वो उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने कोई एनजीओ में तो अपना रजिस्ट्रेशन करा नहीं रखा है भाई, राजनीति पार्टी है, अब दुष्प्रचार कर रही अगर वो कर रही और लोग समझ रहे तो आप बताइए जाके कि आपकी सही चीज़ क्या है, आप पीछे क्यों हैं? भारतीय जनता पार्टी को खुद सोचना चाहिए ना कि आखिर वो क्यों पीछे रह जा रही है, ये भी तो राजनीतिक दल हैं, इनको समझा देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अभी फ़िलहाल इतना ही था, आगे कुछ और होता है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।